हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप आधार कार्ड से लोन कैसे ले। तो दोस्तों आप आधार कार्ड से यानी कि घर बैठे आप 10,000 50,000 1,00,000 तक आप आसानी से आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वो साइट बताऊँगा जो गवर्नमेंट का साइट है, तो सिंपली आपको वीडियो यहाँ पर पूरा देखना है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड से लोन कैसे ले घर बैठे आप आसानी से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली आपको लाल बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आपको बगल में बेल आइकन दिखाई देगी, तो दोस्तों इस घंटे पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बात बता दूँ कि आपको वीडियो यहाँ पर पूरा देखना है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट का साइट बताने वाला हूँ, वहाँ से आप 1,10,000 ठीक है जितना भी आप लोन लेना चाहते हो आप सिंपली आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपका मोबाइल में या फिर आप पीसी में जो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना आधार हाउसिंग फाइनेंस ठीक है। आप ये सर्च करेंगे उसके बाद में यहाँ गवर्नमेंट का साइट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इस साइट का लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहाँ से भी जा सकते हो इस साइट पे। देखिए दोस्तों उसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा जो आधार हाउसिंग ठीक है फाइनेंस, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसका मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ जो भी इसका ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और दोस्तों अगर आपने कहीं से भी लोन लिया हुआ है तो इस साइट पे आपको लोन नहीं मिलेगा ठीक है। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो सिंपली यहाँ पर आपको, अगर आप एक नए यूज़र हो तो यहाँ पर आपको सिंपली लोन मिल जाएगा ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये साइट इस तरह का ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों नीचे जो लाइन चल रही है इस पर आप क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट एनी ऑप्शन ठीक है। सिलेक्ट एनी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको लोन सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो ठीक है। होम लोन लेना चाहते हो या फिर जो भी प्लाट, यहाँ पर प्लॉट लोन लेना चाहते हो ठीक है, जो भी आप। तो यहाँ पर मैं होम लोन सिंपली कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई देगा ठीक है। तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नाम डाल देना है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद में आपको अपना जो भी आपका मोबाइल चालू रहता है ठीक है वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना, ताकि ये जब भी आपको कॉल करेंगे ठीक है तो आपको कॉल अटेंड करना होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको आपका जो भी जन्म तारीख है ठीक है डेट यहाँ आप डाल दीजिए ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट राज्य ठीक है, तो आपका जो भी राज्य है देख, जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मेरा राज्य यहाँ पर मध्य प्रदेश ठीक है, यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश कर लिया। तो उसके बाद में आपको करना क्या, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे और ऑप्शन दिखाई देगा आधार कार्ड निकटतम शाखा ठीक है। तो आपकी जो भी शाखा है ठीक है तो वो आपसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक शाखा जो मेरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंदौर ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंदौर कर लिया हूँ। अब दोस्तों देखिए उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी रोज़गार स्थिति यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए, और आपका एरिया का पिन नंबर है जो यहाँ पे आपको डालना होगा ठीक है, और यहाँ पे आपकी रोज़गार स्थिति आपको डालना होगा ठीक है, जो भी रोज़गार स्थिति वो आप डाल लीजिए ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखिए आपको लोन का उद्देश्य यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि दोस्तों आप लोन किसके लिए लेना चाहते हो, होम लोन या प्लॉट लोन ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए होम लोन कर रखा है ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर होम लोन के बाद आपको लोन अमाउंट राशि डालना होगा ठीक है, यानी कि दोस्तों लोन अमाउंट आप कितना लोन लेना चाहते हो ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जो लोन राशि ठीक है, यानी कि आप कितने तक, देखिए यहाँ पर 1,00,000 ठीक है 5,00,000 तक आप लोन ले सकते हो ठीक है। आप जितना भी लेना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर है जो मासिक आय, यानी कि आप महीने का कितना कमाते हो ठीक है, वो आपको डालना होगा यहाँ पर इस साइड पर। आप महीने का कितना कमाते हो, यहाँ पर 15,000 कमाते हो ठीक है, या 30,000, 15 से 30,000 ठीक है, तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक कॉल डालना होगा, कॉल का टाइमिंग
यानी कि ये गवर्नमेंट साइड की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, यानी कि आप किस टाइम पे आप फ्री रहते हो, ठीक है, वो आप टाइम डाल दीजिए, तो आपके पास एक कॉल आएगा, ठीक है, और उसमें आपको बताया जाएगा यानी कि आप लोन लेने के लिए फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर राइट लगा देना, ठीक है। यहाँ पर राइट लगाएंगे तो सिंपली यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट के पास डाटा आपका चला जाएगा और आपके पास यानी कि 24 घंटे में एक कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह से इस गवर्नमेंट की साइट से आसानी से आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।